हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं सबके लिए न्यू रेसिपी, मतलब गुजिया की रेसिपी। तो होली का टाइम आ चुका है, तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया, तो हमें यहाँ पे ले लेना है एक बर्तन, और हमें यहाँ पे लेना है 3 से 4 कप मैदा। आप कम ज्यादा भी रख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें नमक मिला लेना है, और आपके पास अगर घी हो तो घी का भी यूज कर सकते हैं। 3 से 4। होली की देर हो चुकी है, होली आज फाइनली आ चुकी है, और वीडियो एडिटिंग करने में काफी टाइम लग गया था, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। लेकिन फटाफट से आप बना सकते हैं आज भी, अगर आपके पास टाइम है तो फटाफट से इस रेसिपी को तुरंत ही बना सकते हैं मेहमानों के लिए। तो आटा हम अच्छे से गूंद लेना है, थोड़ा सा पानी लगा कर, ज्यादा पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना, ताकि आटा हमारा, तो यहाँ पर आटा हमारा गूंद कर तैयार होने वाला है। अगर जब तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा, तो वीडियो को लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आटा हमारा परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है, तो यहाँ पे इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो आटे को एक तरफ रखे, एक कढ़ाई को चढ़ा देना गैस पे, उसमें डालना है तेल, या आपके पास देसी घी हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ले लिया है ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश, आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स आप वो ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके निकाल लिया है, अब उसी कढ़ाई में मैंने डाली 3 से 4 कप भरकर बड़े वाले मैंने सूजी डाली है, उसी के बराबर मैंने डाला है कोकोनट पाउडर, मतलब नारियल का पाउडर। उसका मिक्सर मिलाकर, सफेद इलायची का पाउडर मिलाकर इसको मिक्स कर लेना, और पिसी हुई चीनी मिलाकर, ड्राई फ्रूट मिलाकर इसका अच्छे से मिक्सर बनाकर तैयार कर लेना। तो यहाँ पर हमारा मिक्सर बनकर हो चुका है तैयार, तो अब हम बढ़ते हैं। तो मिक्सर बनकर तैयार हो चुका है, इधर आटा भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो इसके पीस करके, इसको थोड़ा सा बेल के, इसके छोटे छोटे पीस को कट कर लेना है लोई की तरह, ताकि हमारी लोई अच्छे से बनकर तैयार हो। तो इसको मैंने छुरी की मदद से कट कर लिया, आप चाहें तो छोटी छोटी सी लोई भी कट कर सकते हैं हाथ की मदद से। तो यहाँ पे एक एक करके इसको अच्छे से बेल लेना है, आप टेढ़ा बेढ़ा कैसे भी करके बेले कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको, अगर आपके पास टाइम कम हो और फटाफट से आप इसका यूज कर सकते हैं, तो मार्केट से एक गुजिया बनाने के शेप का आप कटर ला सकते हैं, उससे हमारी गुजिया अच्छे से परफेक्टली टाइम कम लगते हुए बन सकती है, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। तो एक एक करके ऐसे ही हमें सारी गुजिया को बना लेना है। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा, जब आपके पास टाइम ना हो तो फटाफट से मेहमान आना शुरू हो जाए, तो फटाफट से आप इसे बना सकते हैं और मेहमानों को आगे सर्व कर सकते हैं। तो मिक्सर को कम रखना, ताकि गुजिया हमारी परफेक्ट बनकर तैयार हो, वरना गुजिया हमारी थोड़ी सी फट जाएगी, तो वो सही नहीं रहेगी। तो गुजिया हमारी बनके एक एक करके इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे सारी गुजिया हमारी बनके तैयार हो चुकी है, अब इनको अच्छे से तेल में फ्राई करके निकाल लेना है। तो हमने एक कढ़ाई में डाल दिया है, तेल को कढ़ाई में कर लिया है, अब इसमें गुजियों को एक एक करके, तेल गर्म होने के बाद में एक एक करके सारी गुजियों को अच्छे से डाल देना, और कम गुजिया रखना, ताकि गुजिया हमारी अच्छे से सिक जाए और फटाफट से क्रिस्पी करारी बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर गोल्डन फ्राई होने के बाद में गुजियों को निकाल लेना ज्यादा देर तक। तो यहाँ पर क्रिस्पी करारी गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।